What's up, Instagram fam? So I'm back with another educational video. Today we're going to talk about why you guys suffer from tremendous hair loss. What are the reasons for that? So guys, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जो हमारे hair fall इतना ज़्यादा होता है वो किस reason की वजह से होता है. Number one, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा dandruff है. Number two, अगर आप you know hair products बहुत सारे use करते हो, जैसे कि hair sprays, hair wax और gel, या फिर आपने hair treatments बहुत सारे लिए हैं, जैसे कि आपका hair color हो गया, या फिर आपका smoothing हो गया, keratin हो गया, किसी भी तरह का hair treatment, तो उसकी वजह से काफ़ी hair loss होता है. तो अब इसको क्योर कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, आपको सिर्फ एक पहले आपको अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की प्रोफाइल चेक करवानी है, जिसमें आपको देखना है कि आपके विटामिन डी लेवल्स और आपके आयरन लेवल ऑन पॉइंट है या नहीं है, और आपका जो जिंक है ऑन पॉइंट है या नहीं है. एंड वन मोर थिंग गाइस, दैट आपके जो THT लेवल्स हैं, वेदर इट्स ऑन अ हायर साइड और नॉट, एंड फाइव ईयर डक्टेज पाथवेज अगर आपके हायर साइड पे है तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो यू हैव टू ट्रीट दैट थिंग. एंड अनदर थिंग इज दैट आपको जितने भी आप आर्टिफिशियल शैम्पूज यूज़ कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. अगर आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है, वो भी बहुत आपके हेयर्स पे इफेक्ट करेंगे, आपके स्किन क्वालिटी पे इफेक्ट करेंगे. एंड आपको आपके पूरे दिन की जो डाइट है वो कैसे मेंटेन करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है. अगर वो भी आपकी ठीक नहीं है, देन ऑब्वियसली हेयर फॉल होगा. जौन सी मर्जी मेडिसिन ले लो, जौन सा मर्जी आप प्रोडक्ट यूज़ कर लो, राइट. एंड जो मेरा बेस्ट तरीका है आपके हेयर्स को हेल्दी रखने का, दैट्स कि आप हफ्ते में सिर्फ दो बार कर्ड या फिर वो लेग्स अपने सर पे लगाओ. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड जो मैंने आपको भी चीज़ें सारी बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड चेक करो आयरन लेवल और आपका विटामिन डी और जिंक, जो आपका इनडायरेक्टली हेयर लॉस से रिलेट करता है. एंड यस, यू कैन डू दीज थिंग्स एंड आपको रिजल्ट विद इन 15 to 20 days दिख जाएंगे. अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और विद इन 1 month बिल्कुल खत्म हो जाएगा. आपको किसी तरीके की मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस इन सारे फैक्टर्स को आप देखिए. एंड 60 to 70% लोगों के तो आयरन लेवल्स ही ऑन पॉइंट नहीं होते, तो उसकी वजह से मेजर हेयर फॉल होता है. तो आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा.